हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसी और डीसी में से जो है ज़्यादा डेंजरस कौन है। यानी कि एक नॉर्मल पीपल को अगर एसी का शौक लगता है या फिर डीसी का शौक लगता है तो कौन सा शौक जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। तो वीडियो जो है बहुत नॉलेजेबल होने वाला है और एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको तो इसके बारे में एक नॉलेज होना ही चाहिए। और एक बात बता देता हूँ, ये जो है हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो है लास्ट वीडियो है। अब से आपके डिमांड पे ही जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल पे से रिलेटेड जो है वीडियोस अपलोड किया जाएगा और इसके बाद का जो प्लान है वो आपको इसके दूसरे वीडियो में जो है देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपने अगर एसी और डीसी ये दोनों का अगर वेव डायग्राम देखे होंगे तो आपको पता है जो हमारा एसी करंट होता है वो एज ए टाइम के रेस्पेक्ट में अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है चेंज करता है। और ये जो डीसी है ये जो है अपना करंट वोल्टेज एज ए टाइम के रेस्पेक्ट में कभी भी चेंज नहीं करता है, ये जो है एक लीनियर पाथ को फॉलो करते हैं। यानी कि ये जो एसी करंट है ये जो है एक जीरो सर्टन लेवल से स्टार्ट होता है, फिर ये जो है एक पीक वैल्यू तक जाता है और फिर से ये जो है जीरो पे आ जाता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया कि RMS वैल्यू के बारे में, यानी कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ में जो भी करंट और वोल्टेज ले रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज़ में जो AC सप्लाई यूज़ हो रहा है तो उसमें जो करंट वोल्टेज लेते हैं वो जो है RMS वैल्यू का ही करंट और वोल्टेज रहता है। तो RMS वैल्यू क्या है इनसे रिलेटेड एक वीडियोज़ बनाया हूँ, वो वीडियो देख लीजिएगा। तो ये जो है कौन ज़्यादा डेंजरस है, मैं अभी जो बता रहा हूँ इस चीज़ को आप अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे। तो गाइस, AC सप्लाई में ये जो RMS वैल्यू हम लोग लेते हैं एक सिंगल फेज के लिए वो होता है 230 वोल्ट। यानी कि हम लोग RMS वैल्यू को जो है 230 वोल्ट कंसीडर करते हैं, लेकिन ये 230 वोल्ट जो है ये हमारा पीक वैल्यू नहीं होता है। पीक वैल्यू आपका जो है 250 से 260 के बीच में रहता है। अगर किसी एक नॉर्मल ह्यूमन को 230 वोल्ट का एक DC सप्लाई लगता है और 230 वोल्ट का अगर AC सप्लाई लगता है तो उसे जो है AC सप्लाई जो है सबसे ज़्यादा डेंजरस उसके लिए होगा। अब ये इसलिए होगा क्योंकि ये जो 230 वोल्ट है ये एक RMS वैल्यू है और RMS वैल्यू जो है पीक वैल्यू से बहुत अलग है। तो गाइस, RMS वैल्यू वाले वीडियो का लिंक दे दूंगा, फिर से बता रहा हूँ आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो इस टॉपिक जो है पूरा क्लियर हो जाएगा। 230 वोल्ट हम लोग बोलते हैं ये जो है पीक वैल्यू नहीं है। जब हमारा ये AC सिस्टम में हमारा करंट का वैल्यू या फिर वोल्टेज का वैल्यू पीक पे जाता है तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। तो एक सेकेंड में जो है 50 बार हमारा फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा AC करंट है इस AC करंट में आपको जो है मल्टीपल ऑफ DC सोर्स का जैसा करंट लगेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस। तो आप समझ सकते हो कि ये AC सप्लाई जो है कितना डेंजरस है। अब मैं अगर बात करूँ ये DC सप्लाई के बारे में तो ये DC सप्लाई का जो वेव डायग्राम जो है एक लीनियर पाथ को फॉलो करता है। अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन अगर किसी DC सप्लाई को टच करता है ना तो वो जो है उधर ही चिपक के रह जाएगा, आपको उस जगह से जो है दूसरे जगह ले जाने की कोशिश करेगा लेकिन वो जो है जा नहीं पाएगा। उसका रीजन है क्योंकि उसका जो पल्स है वो एज टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है और अंत में क्या होगा कि वो जो है उस टाइम उस जगह में बेहोश होकर के नीचे में गिर जाएगा। लेकिन अगर कोई नॉर्मल पर्सन एक AC सोर्स को अगर छूता है तो वो जो है तुरंत उसके झटके से कुछ दूरी पे जाकर के वो गिर जाएगा। अब उसका रीज़न यही है कि हमारा जो AC सोर्स है उसमें जो है मल्टीपल ऑफ DC सोर्स रहते हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है ये जो AC सोर्स है ये एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल कंप्लीट करता है और एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल। तो गाइस, ये AC और DC में से कौन ज़्यादा डेंजरस है इस बात को आपको याद रखना है कि जो AC सोर्स यूज़ कर रहे हैं 230 वोल्ट का ये जो है पीक वैल्यू नहीं है। अगर किसी को AC सोर्स का झटका लगता है तो वो 230 से भी जो है ज़्यादा का झटका जो है उसे लगता है, यानी कि 250 से 260 वोल्ट के बीच में। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और किसी भी इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है तो आपको इस बात को बताना है। तो गाइस, मैं जितना हो सके आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आखिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।